मधुमक्खियों का छत्ता और डाकू। एक गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वो वन विभाग में बहुत ही ऊंचे पद पर काम करता था। वो बहुत होशियार, बहादुर और ईमानदार वन ऑफिसर था। एक बार उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे बुलाते हुए कहा, देखो श्याम, मैं तुम्हें काला वन में भेज रहा हूँ। वहाँ पर डाकू चंगू राम का आतंक फैला है और वो जंगल से वन संपदा काट काट कर बेच रहा है। तुम्हें वहाँ जाकर उसे काबू करना होगा। जी सर, जैसी आपकी आज्ञा। और अगले ही दिन श्याम काला वन के लिए निकल पड़ता है और वहाँ जाकर देखता है कि सभी लोग चंगू डाकू से बहुत डरे हुए थे और उसका वहाँ बहुत आतंक था। लेकिन श्याम अपनी सूझबूझ से चंगू डाकू के कामों पर काफ़ी हद तक काबू पा लेता है। ये देखकर चंगू डाकू बहुत गुस्सा होता है। कौन है वो नया ऑफिसर? उसे सबक सिखाना ही होगा। चलो आज ही हमला करते हैं। अरे नहीं सरदार, अभी तो वो अपने घर गया हुआ है, जब वापस आएगा तब देख लेंगे। ठीक है। श्याम अपने बीवी और बच्चे से मिलने अपने घर आया हुआ था। उसके बेटे चिंटू की स्कूल की छुट्टियां थी और वो भी श्याम के साथ जाने के लिए जिद करने लगा। श्याम और उसकी बीवी चिंटू को बहुत समझाते हैं, लेकिन चिंटू जिद करता है और श्याम उसे अपने साथ ले आता है। लेकिन उसे समझाता है कि वो घर के आसपास ही रहे, क्योंकि यहाँ जंगल में बहुत खतरनाक जंगली जानवर भी हैं। एक दिन जब श्याम सरकारी काम से कहीं बाहर गया हुआ था, तभी चंगू डाकू और उसके आदमी आकर उसके घर पर हमला कर देते हैं। लेकिन श्याम को वहाँ ना पाकर वो बहुत गुस्से होता है और गुस्से में चिंटू को उठाकर ले जाता है। चलो उठा लो इसके बच्चे को, अपने आप आएगा वो पीछे पीछे। चंगू और उसके साथी चिंटू को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। श्याम को जैसे ही खबर मिलती है वो घबरा जाता है और चंगू डाकू पर हमला करने के लिए पुलिस से सहायता मांगता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे और फोर्स आने तक के लिए इंतजार करने को कहता है। डाकुओं के अड्डे पर अकेला चिंटू पहले तो डरता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ती है। मधुमक्खियों का छत्ता देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है। शाम होने पर जैसे ही सभी डाकू खाने पीने में व्यस्त थे, तभी चिंटू अपने आप को एक कंबल से ढककर मधुमक्खियों के छत्ते पर बहुत बड़ा पत्थर फेंकता है। पत्थर लगते ही मधुमक्खियां गुस्से में आ जाती हैं और वो सभी डाकुओं पर हमला कर देती हैं। मधुमक्खियों का हमला होता देखकर डाकू घबरा जाते हैं और उनके डंक से बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। मधुमक्खियां चंगू डाकू को भी घेर लेती हैं। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हटाओ कोई इनको। और चिंटू मौका देखकर वहां से फरार होकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। तभी आधे रास्ते में उसे अपने पापा और पुलिस मिलती है। चिंटू उन्हें डाकुओं के अड्डे के बारे में बताता है। पुलिस डाकुओं के अड्डे को घेर लेती है, लेकिन पुलिस का आधा काम तो मधुमक्खियों ने ही कर दिया था। पुलिस को सभी डाकू घायल अवस्था में मिलते हैं और इस तरह चिंटू की सूझबूझ और मधुमक्खियों के छत्ते की सहायता से चंगू डाकू का आतंक खत्म हो जाता है और सभी लोग चिंटू की बहुत तारीफ करते हैं। रामपुर गांव में किरण नाम की एक औरत रहती थी। उसका गांव में एक ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी, लेकिन उसके ढाबे की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो थी एग पास्ता, जो रामपुर और आसपास के गांव वाले वहां खाने आया करते थे और उसकी बहुत ही तारीफ करते थे। भाई वाह, मजा आ गया एक पास्ता खाकर। उसी गांव में चिंटू नाम का एक आदमी रहता था। वो किरण से बहुत जला करता था और हमेशा इसी कोशिश में रहता था कि किरण को कैसे नीचा दिखाया जा सके। वो कोई काम काज नहीं करना चाहता था, वो तो बस आसान तरीकों से और लोगों की नकल करके जल्द से जल्द पैसे कमाना चाहता था। एक दिन चिंटू कुछ कर्तबबाजों को देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे वाह, सिर्फ एक बंदर को नचाने से इतने पैसे कमाए जाते हैं। आज इनका पीछा करता हूँ और इनका बंदर ही चुरा लूंगा। चिंटू पूरा दिन उन कर्तबबाजों का पीछा करता है और चुपके से उनके बंदर को नींद की गोली खिलाकर चोरी कर लेता है। चिंटू उन कर्तबबाजों के बंदर को ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है।
और खुद पास्ता खाने किरण के ढाबे पर चला जाता है। जब वो किरण के ढाबे पर पास्ता खा रहा था तो वहाँ भीड़ और आगे खाली जगह देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने किरण से कहा, किरण बहन जी, वो बात ये है कि मैंने ना अभी अभी कर्तव्यबाजी का धंधा खोला है। मेरे पास बंदर है, बहुत अच्छे कर्तव्य दिखाता है। मैं क्यों ना आपके ढाबे के सामने खाली जगह में अपने कर्तव्य दिखाऊं? यहाँ पे बहुत भीड़ जुटेगी, आपकी भी कमाई होगी और मेरी भी होगी। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। किरण के साथ बात करकर चिंटू मन ही मन पैसे कमाने के ख्वाब देखकर अपने घर वापस आता है और देखता है कि बंदर पिंजरे में बहुत उछल कूद मचा रहा था। चिंटू एक छड़ी उठाता है और बंदर को मारने लगता है। देख बे बंदर, कल तमाशा करियो तमाशा, नौटंकी मत करियो कोई। और सुबह होते ही वो बंदर को लेकर किरण के ढाबे पर आ जाता है। किरण बहन जी, आ गया मैं अपना तमाशा शुरू कर दूं। किरण उसे तमाशा करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन चिंटू ने तो बंदर चोरी किया था, उसे तो पता ही नहीं था कि बंदर को नचाना कैसे है। वो बंदर को रस्सी से उल्टा सीधा खींचने लगता है और उसे छड़ी मारने लगता है। अबे नाच बंदर नाच, अबे मेरे बंदर नाच। लेकिन लगातार डंडे खाकर बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो चिंटू के हाथ से रस्सा छुड़ाकर ढाबे की ओर भागता है और पूरे ढाबे का सामान तहस नहस कर देता है। ये देखकर किरण को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने नौकरों से कहकर चिंटू की बहुत पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, अरे छोड़ दो बहन जी, किरण बहन जी मुझे छोड़ दो। बंदर वहाँ से भागकर सीधे अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक को इशारा करकर चिंटू के वहाँ ले आता है। बंदर का मालिक पुलिस बुला लेता है और वो लोग चिंटू को पकड़ लेते हैं और चिंटू सभी के सामने उनसे माफ़ी मांगता है। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो पैसे कमाने के लिए बंदर चोरी किया था। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे किरण बहन जी, मेरे को अपने ढाबे पे नौकर ही रख लो। और किरण उसे अपने ढाबे पर नौकर रख लेती है और चिंटू अब मेहनत करके पैसे कमाने लगता है क्योंकि अब उसे चोरी और बेईमानी करने का सबक मिल चुका था और अब वो किरण के एग पास्ता ढाबे पर काम करने लगता है। चिकन लेग पीस रेसिपी। एक गांव में चंगू और मंगू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती की पूरे गांव में मिसालें दी जाती थी। दोनों इकट्ठे ही स्कूल पढ़ने जाते और स्कूल के बाद दोनों ही इकट्ठे शहर में कॉलेज भी पढ़ने गए। मंगू पढ़ लिख कर एक कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया और क्योंकि चंगू को खाना बनाने का बहुत शौक था, एक होटल में काम करने लगा। मंगू जब शहर छोड़कर जाने लगा तो चंगू ने गले मिलते हुए उससे कहा, यार मंगू, आज मैं बहुत खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि तू एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है और दुखी इसलिए कि रोज मुझे तेरा चेहरा दिखे बिना रहना पड़ेगा। यार चंगू, ऐसा नहीं कहते, हमारे तो दिल आपस में जुड़े हैं। और रही चेहरे की बात, अबे मेरी फोटो देख लिया कर। और मंगू के ऐसा कहते ही दोनों हंसते हंसते गले मिलने लगे। काफ़ी समय बीत गया, मंगू अपनी मेहनत से एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया था और इधर चंगू होटल में काफ़ी अच्छा काम करने लगा और उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन साथ ही साथ वो नए नए तरीक़ों से गांव के लोगों को भी खाना बनाकर खिलाया करता था। एक दिन मंगू ने चंगू को फ़ोन किया। हेलो चंगू, कैसे हो? अरे मंगू, कैसा है मेरा भाई? आज बड़े दिनों बाद मेरी याद आई। चंगू, तुझे शहर आना है मेरे पास। मेरी बहुत बड़ी तरक्की हुई है और मैं सभी ऑफिस वालों को पार्टी दे रहा हूँ। क्या कहा, तरक्की? ठीक है मेरे भाई, मैं जरूर आऊँगा। मंगू ने चंगू के लिए हवाई यात्रा की टिकट भेजे थे। चंगू मंगू के पास पहुँच गया। मंगू ने उसका दिल खोल कर स्वागत किया। बड़े शहर की चकाचौंध देखकर चंगू दंग रह गया। पार्टी वाला दिन भी आ गया। मंगू अपने नौकरों की सहायता से सभी व्यवस्थाएं देख रहा था। तभी अचानक मंगू का मैनेजर आके उससे कहता है, साहब, एक कैटरिंग वाला लेग पीस बनाने से मना कर रहा है। कह रहा है इतने सारे लेग पीस हम नहीं बना पाएंगे। क्या कहा? बुलाओ जरा उसको। मंगू कैटरिंग वाले को अपने पास बुलाता है लेकिन कैटरिंग वाला उसे 1000 लेग पीस बनाने से मना कर देता है। कहता है कि इतने सारे लेग पीस एक साथ बनाना बहुत ही मुश्किल है और वो भी इतने कम समय में। चंगू वहाँ खड़ा ये सारी बातें सुन रहा था। कैटरिंग वाले के जाने के बाद चंगू मंगू से कहता है,
अरे क्या हुआ भाई, क्यों दुखी है? मंगू उसे सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात, कहाँ है रसोई? मंगू उसे अपने साथ वहाँ की किचन में लेके जाता है। मंगू तू जाकर मेहमानों को देख, और लेग पीस समय पर टेबल पे पहुँच जाएंगे, तू फिक्र मत कर। पार्टी शुरू हो जाती है और सबसे पहले चंगू के बनाए लेग पीस ही मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। सभी लोग लेग पीस खाकर बहुत खुश होते हैं। भाई ऐसे स्वादिष्ट लेग पीस तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए, क्यों मिस्टर वर्मा? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी। मंगू अपने बॉस को सारी बात बताता है। मंगू का बॉस चंगू को बुलाकर उससे कहता है, भाई वाह चंगू, तुम्हारे हाथ के बनाए लेग पीस इतने स्वादिष्ट हैं तो बाकी खाना तुम कितना स्वादिष्ट बनाते होंगे। भाई मंगू, आज से चंगू को हमारी पूरी कंपनी का कैटरिंग का ठेका दे दो। आज के बाद हमारी कंपनी में कोई खाना बनाएगा तो चंगू ही बनाएगा। और इस तरह से चिकन लेग पीस की रेसिपी के कारण चंगू को बहुत बड़ी कंपनियों से खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और वो अपने दोस्त मंगू का बहुत बहुत धन्यवाद करता है, और दोनों दोस्त फिर से गले मिलकर खुश हो जाते हैं।